ब्लेंडर के इस वीडियो में आज हम लोग देखिए इस तरह का एनिमेशन बनाना सीखेंगे। इस एनिमेशन के लिए एक हम लोग को हार्ट शेप चाहिए और एक टेक्स्ट चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग हार्ट शेप बनाएंगे, बट उससे भी पहले हम लोग स्क्रीन कास्ट की ऑन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो भी मैं कीबोर्ड का बटन दबाऊंगा आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको बंद कर देता हूँ एन प्रेस करके। एन प्रेस करके ही मैंने उसको खोला था। अब इसको मैं यहाँ से एक्स दबा रहा हूँ और डिलीट कर दे रहा हूँ, और उसके बाद शिफ्ट ए दबा रहे हैं जिससे हम लोग नया मैच ऐड कर सकते हैं। और मैं प्लेन को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, मैं यहाँ वन दबाता हूँ ताकि ये फ्रंट व्यू में रहे। और इसको रोटेट करने के लिए, आर दबाइएगा, उसके बाद एक्स एक्सिस में रोटेट करना चाहते हैं तो एक्स दबाएंगे हम लोग, और उसके बाद 90 इस प्रकार से। ठीक है, और अभी मैं क्या करूँगा, एक इमेज चाहिए मुझको, तो उसके लिए फिर से मैं एन दबा रहा हूँ, तो इससे हमारा ये प्रॉपर्टी वाला खुल जाएगा। और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, देखिएगा बैकग्राउंड इमेज, इस पर आप क्लिक करिएगा, इसमें चेक मार्क में क्लिक करिएगा, ऐड इमेज में क्लिक करिएगा, और उसके बाद ओपन में जाइएगा और फिर उस फोल्डर में जाइएगा जिस फोल्डर में आपका इमेज है। फिर यहाँ थंबनेल में क्लिक करिएगा, इमेज यहाँ पे दिखाई देगा, आप यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट करिएगा, ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी इमेज नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं है, आप 5 प्रेस करके ऑटो ग्राफिक व्यू में जाइए, देखिए, ठीक है ना, और फिर 1 दबाइए, देखिए अब इमेज दिखाई दे रहा है। अब इमेज को मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आप मूव कर सकते हैं इसको ऐसे करके, ये आ गया सेंटर में। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं एडिट मोड में। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में थे, अब हम लोग चलते हैं एडिट मोड में। और एडिट मोड में जाने के बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कंट्रोल और आर दबाने वाला हूँ, और उसके बाद एक लूप कट आएगा यहाँ पे देखिए, और फिर दो बार आप लेफ्ट क्लिक करिएगा कांस्टेंट हो जाएगा। फिर ए दबा के मैं डी सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर बी दबा रहा हूँ जिससे कि बॉक्स सेलेक्ट आता है, और उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे मैं एक्स दबाया हूँ और मैं इसका फेस को यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं एज सेलेक्शन मोड में जा रहा हूँ, इसको थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूँ इतना। ठीक है, और अभी मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ और फिर एक मॉडिफायर यूज़ करेंगे, इसका काम नहीं है, इसको हटा देते हैं और एक मॉडिफायर यूज़ करेंगे। मॉडिफायर देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये मॉडिफायर होता है, इसमें आप क्लिक करिएगा, फिर ऐड में जाइएगा और मिरर मॉडिफायर को ऐड कर लीजिएगा, क्लिपिंग में चेक मार्क कर दीजिएगा, और फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ एडजस्ट एडिट कैच इसको आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कर लीजिएगा अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ कहाँ पे, यहाँ वर्टेक्स सेलेक्शन मोड में जा रहा हूँ और इसका वर्टेक्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ, नीचे वाला वर्टेक्स को सेलेक्ट करके मैं पूरा इसको नीचे ले आ रहा हूँ, फिर इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर मैं इसको भी नीचे लेके आ जा रहा हूँ इस तरह से, और यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और फिर मैं इसको ऐसे ऊपर ले जा रहा हूँ और फिर इसको क्लिक कर रहा हूँ, मैं इसको एकदम ऊपर लेके चल जा रहा हूँ ऐसे करके, थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं हम लोग। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए फिर से मैं यहाँ जा रहा हूँ थोड़ा और एज सेलेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है ना, और फिर मैं ए भटेक सेलेक्शन मोड में आ रहा हूँ और फिर इसको पकड़ के मैं थोड़ा से ऐसे नीचे लेके आ जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं फिर से एज सेलेक्शन मोड में जाऊँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, मैं ई प्रेस करूँगा, ठीक है, ई प्रेस करके मैं एक्स प्रेस कर रहा हूँ और इसको मैं सीधा ले जा रहा हूँ, इतना मैं ले जा रहा हूँ। ठीक है ना, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से यहाँ पे जा रहा हूँ आपका, नहीं तो इसी को ही पकड़ के आप इसको ऐसे एडजस्ट कर लीजिए ऐसे करके, ओके, और उसके बाद फिर आप वर्टेक्स सेलेक्शन मोड में जाइए और इसको थोड़ा सा आप नीचे कर लीजिए ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद में फिर मैं क्या करूँगा, मैं वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जा रहा हूँ, फिर से मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैं ई दबा रहा हूँ, एक्स दबा रहा हूँ, एक्स एक्सिस में इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ और फिर इसको दबा के मैं थोड़ा ऊपर कर दूंगा ऐसे करके। ठीक है, और फिर मैं ई दबाऊंगा, फिर मैं इसको आगे लेके जाऊंगा ऐसे करके, ठीक है, फिर मैं ई दबाऊंगा, फिर मैं इसको थोड़ा सा आगे करके जाऊंगा, मैं ऐसे ले जाऊंगा और फिर मैं ई दबा रहा हूँ, फिर मैं थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ, फिर मैं इसको इससे नीचे लेके आ जा रहा हूँ थोड़ा इस तरह से,
और फिर मैं ये दबा रहा हूँ और फिर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ लेके आ जाते हैं। चलिए, और फिर हम लोग ये दबाते हैं और थोड़ा सा इसको और नीचे इस तरह से लेके आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एडजस्टमेंट थोड़ा कर देते हैं हम लोग। जाते हैं वर्टेक्स में, पहले तो इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको ऊपर करते हैं ऐसे, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ऐसे, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ऐसे, और उसके बाद में फिर इसको सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा ऐसे ऊपर करते हैं ऐसे, और फिर ये बच गया एक तो, इसको भी हम लोग पकड़ के ऐसे करके ऐसे ऊपर कर लेते हैं। चलिए थोड़ा और कर लेते हैं, बस ये हमारा सेप हो गया। थोड़ा ये वाला को थोड़ा नीचे करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, बस ठीक है। और ये वाला को भी थोड़ा सा हल्का सा अगर नीचे कर दिया जाए, बस इतना बहुत है। अब क्या करेंगे, देखिए इस तरह से एक तो सेप बन गया है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर मैं ई दबा रहा हूँ, और ई दबा के इसको हम लोग थोड़ा सा आगे कर देंगे ऐसे करके। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे सब डिवाइड सरफेस थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें, 2 3 4 बस। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक मॉडिफायर यूज़ करूँगा, सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर, इसका व्यू मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से एक हार्ट हमारा बन गया है, और फिर इसको मैं स्मूथ कर देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, और एक चीज़ करेंगे नहीं तो हम लोग एडिट मोड में वापस चलते हैं। कंट्रोल जेड से मैं पीछे जाता हूँ और जो मैं सब डिवाइड किया था ना, मैं उसको हटा दे रहा हूँ। कंट्रोल जेड से सब डिवाइड वाला ऑप्शन को हम लोग हटा दिए हैं, और फिर से ऑब्जेक्ट मोड में वापस आ जाइएगा और फिर आप स्मूथ सेव करिएगा। तो देखिए ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है उससे। ठीक है, तो ये हार्ट है हमारा, इसको रहने देते हैं हम लोग। और अब हमको एक टेक्स्ट चाहिए, हार्ट तो बन गया हमारा, अब टेक्स्ट चाहिए तो शिफ्ट दबाएंगे, फिर ए दबाएंगे और फिर हम लोग टेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे और फिर इसको हम लोग यहाँ लेके आ गए देखिए पकड़ के। अब इसको भी रोटेट करना है, एक्स एक्सिस में ही रोटेट करना है, तो आर दबाइएगा, एक्स दबाइएगा और 90 दबा दीजिएगा। और उसके बाद फिर आप एडिट मोड में जाइएगा और बैक स्पेस से जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको आप मिटाइएगा और यहाँ पे जो आप लिखना चाहते हैं लिखिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई लव यू। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग जाएंगे वापस ऑब्जेक्ट मोड में। ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद में इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, शिफ्ट दबा के ऐसे पैनिंग कर सकते हैं हम लोग, शिफ्ट और मिडल माउस बटन दबा के इसको मैं थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका थिकनेस चाहिए हम लोग को, यहाँ एक्सक्यूड है इसको आप बढ़ा करिएगा, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद डेप्थ इसका बढ़ाना चाहते तो ऐसे आप डेप्थ बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद आप रिजोल्यूशन देना चाहते हैं तो आप इस तरह से रिजोल्यूशन दे सकते हैं, 2 मैं दूंगा रिजोल्यूशन इसका। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब ये जो है ना, ये टेक्स को हम लोग मैथ्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अभी ये टेक्स है, इसको मैथ्स में मेस में कन्वर्ट करने के लिए अल्ट सी दबाइएगा और उसके बाद मेस फ्रॉम कर्व मेटा सरफेस ये वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा, तो अब ये मेस हो गया। ठीक है, दो चीज़ हम लोग के पास है। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें एक मॉडिफायर मैं और यूज़ करने वाला हूँ, ये है आपका रीमेस मॉडिफायर। ठीक है, ये जो हार्ट था हमारा ये इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे रीमेस मॉडिफायर में रिमूव डिसकनेक्टेड पीसेस को हटा दीजिएगा और ऑक्ट्री डेप्थ जो है इसका थोड़ा बढ़ा दीजिएगा इतना। ठीक है ना, देन हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट में भी हम लोग मॉडिफायर यूज़ करने वाले हैं, सेम मॉडिफायर रीमेस मॉडिफायर। ठीक है, और फिर इसका भी रिमूव डिसकनेक्टेड पीसेस हटा दीजिएगा और ऑक्ट्री वैल्यू जो रहेगा इसका उसको आप थोड़ा बढ़ा दीजिएगा ऐसे करके। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए अब हम लोग पार्टिकल्स इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे पार्टिकल्स में, यहाँ पे पार्टिकल सिस्टम होता है इसमें जाएंगे हम लोग, और मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ हार्ट को, यहाँ न्यू में मैं क्लिक कर रहा हूँ और इसका नंबर जो होगा 1 से स्टार्ट होगा और ये 20 में एंड होगा, और यहाँ पे लाइफ टाइम जो है मैं इसका 40 देना चाहता हूँ अभी के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट फिर नीचे में कुछ कुछ हम लोग चीज करेंगे, जैसे यूज़ मॉडिफायर स्टेक, इसका आप चेक मार्क रखिएगा ताकि जो जो मॉडिफायर हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं ये उसका यूज़ कर सके पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे जेटर ज्योमेट्री जो है इसको एक मिनट रुके, देखिए मैं बता देता हूँ अभी क्या होगा कि अगर अभी हम लोग देखेंगे इसको प्ले करके तो
तो ये इस तरह से देखिए इसमें पार्टिकल्स निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये नीचे की ओर जा रहा है, नीचे नहीं जाना चाहिए, तो फील्ड में जाएंगे हम लोग और इसका जो ग्रेविटी होता है इसको हम लोग जीरो कर देंगे। और उसके बाद मैं फिर से इसको वापस ले जाता हूँ और फिर मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। तो देखिए अब ये नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ वहाँ जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं है। अब इसको तोड़ना चाहते हैं हम लोग, मतलब फूटना चाहिए उस टाइप का, ठीक है ना। और एक चीज़ है उसके लिए तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे मॉडिफायर, और मॉडिफायर कौन सा मॉडिफायर, एक्सप्लोड मॉडिफायर। देखिए यहाँ पे देखिए फटाका बना हुआ रहेगा, एक एक्सप्लोड लिखा रहेगा, यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। और इसको क्लिक करने के बाद वापस आप एक बार प्ले करके देखिए, तो अब देखिए इस तरह से इसे फूटेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। उसके बाद में एक काम हम लोग और करेंगे, ये जो इसका ज्योमेट्री सेक्शन है, इमिटर ज्योमेट्री, नॉर्मल को हम लोग जीरो कर देंगे। तो अब नॉर्मल को जीरो करने से क्या होगा वो भी हम लोग देखते हैं। एक बार इसको फिर से ऐसे जाते हैं वापस और फिर से एक बार हम लोग प्ले करते हैं, तो देखिए इस तरह से वो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से कुछ निकल नहीं रहा है ना। अच्छा, और एक चीज़ है, यहाँ जो मॉडिफायर ऑप्शन था जो हम लोग अभी यूज़ किए थे, कौन सा मॉडिफायर, एक्सप्लोड मॉडिफायर, ठीक है। एक्सप्लोड मॉडिफायर कहाँ गया, सबसे नीचे में यहाँ पे एक्सप्लोड मॉडिफायर है, यहाँ पे कट एजेस में क्लिक करिएगा, अनब्रोन नहीं, मैं ब्रोन रखना चाहता हूँ, और डेड में चेक मार्क हटा दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये हट जाएगा, ये क्या होगा, ये आपका हट जाएगा। अगर डेड में नहीं रखेंगे तो वो दिखाई देगा, उसको हम लोग हटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक ऐसे रखिएगा। फिर चलिए अब चलते हैं हम लोग टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। और एक चीज़ है, ये जो हार्ट है ना, एक काम करिएगा, यहाँ पे देखिए प्लेन लिखा हुआ है, आउटलाइनर में क्लिक करके यहाँ पे इसका नाम हार्ट दे दीजिए। ठीक है, और अब हम लोग जाते हैं वापस, ये जो टेक्स्ट था इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर पार्टिकल सिस्टम वाला बटन में क्लिक करते हैं और फिर न्यू में क्लिक करते हैं यहाँ पे। और उसके बाद अब ये वाला जो है इसका स्टार्ट वैल्यू मैं 20 दे रहा हूँ और एंड वैल्यू मैं अभी इसका फिलहाल के लिए 40 रखा हूँ, और उसके बाद इसका लाइफ टाइम जो रहेगा वो मैं 20 रख रहा हूँ। एक मिनट, इसका देखिए, इसका लाइफ टाइम हम लोग 40 रखे थे, इसका लाइफ टाइम हम लोग कितना रखे थे, हम लोग इसका लाइफ टाइम 40 रखे थे, उसका हम लोग 50 रखे। ये 1 में स्टार्ट हो रहा था, 20 में एंड हो रहा था, और ये जो है ये 20 में स्टार्ट हो रहा है और 40 में ये एंड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद और क्या करना है, इसमें भी यूज़ मॉडिफायर स्टैक को चेक मार्क करना है, और इसमें भी फिर वो मॉडिफायर यूज़ करेंगे हम लोग, कौन सा मॉडिफायर, एक्सप्लोड मॉडिफायर यूज़ करेंगे हम लोग। और एक्सप्लोड मॉडिफायर में इसमें भी कट एजेस रहेगा और ये अनब्राउन रहेगा। ठीक है, और देन हम लोग फिर जाते हैं पार्टिकल में, और उसके बाद में फिर नीचे में जाएंगे और यहाँ पे कीड लिखा हुआ रहेगा, इसको यूज़ करेंगे हम लोग, ये प्लस साइन में, जैसे देखिए ये ऐसे रहता है नॉर्मली, अब इसमें क्लिक करने के बाद में यहाँ पे प्लस साइन दिखाएगा और ऐड ए न्यू पार्टिकल टारगेट, इसको आप क्लिक करिएगा और सबसे पहले यहाँ पे देखिए हार्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट फिर प्लस साइन में क्लिक करिएगा और फिर यहाँ क्लिक करके टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इतना करने से अभी क्या होगा एक बार हम लोग प्ले करके देखते हैं। देखिए ये जो हार्ट था यहाँ पे, ये ऐसे करके जा रहा है और फिर ये बन रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं यहाँ पे पार्टिकल सिस्टम में, वापस हम लोग आते हैं ये हार्ट का, और यहाँ पे हम लोग इसको स्टार्ट किए थे 1 में और एंड किए थे 20 में, और लाइफ टाइम यहाँ पे हम लोग इसका दिए है 40। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 20 तक लाइफ टाइम है इसका 40, तो इसको अगर हम लोग 20 कर दे तो क्या होगा, थोड़ा चेक करते चलिए। 20 अगर हम लोग कर दे तो देखिए ये जल्दी हो रहा है, अब ये ठीक है।
ठीक है ना, तो उसका भी लाइफ टाइम 20 रख देते हैं, इसका लाइफ टाइम भी 20 रहेगा और ये इस तरह से टूट के ये बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, और अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें कलर वगैरह ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये ब्लेंडर रेंडर में इसको हम लोग साइकिल रेंडर में रख लेते हैं, ठीक है ना, साइकिल रेंडर में हम लोग इसको रख लेते हैं। और अब हम लोग इसमें कलर डालेंगे, पहले चलिए हार्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में फिर यहाँ पे जाते हैं हम लोग मटेरियल में, न्यू में क्लिक करते हैं हम लोग, और न्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ जाते हैं, इसको मैं रेड करता हूँ, ठीक है, और 1 मिनट, यहाँ पे काम करते इसको मिक्स सेडर ले लेते हैं। और उसके बाद एक हम लोग डिफ्यूज सेडर यूज करते हैं जिसका कलर हम लोग पूरा रेड रखेंगे, ठीक है, पूरा रेड रखेंगे। और दूसरा सेडर जो था इसमें हम लोग ग्लोसी यूज कर रहे हैं इस तरह से, इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ ऐसे करके, यहाँ पे मैं टी दबाता हूँ, यहाँ पे भी मैं टी दबाता हूँ, और यहाँ पे इसको हम लोग रेंडर व्यू में रखते हैं, ये देखिए ऐसे करके, ठीक है। अब ये जो लाइट है इसको भी हम लोग थोड़ा सेट करते हैं, इस लाइट को मैं यहाँ लेके आता हूँ और उसके बाद इसको मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ ऐसे, और लाइट में यहाँ पे इसका साइज मैं 1 कर देता हूँ, और देन यूज नोट में जाके इसका जो लेंथ स्ट्रेंथ है उसको मैं 2000 कर देता हूँ, देखिए ऐसे करके, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट ए दबा रहा हूँ मैं, और शिफ्ट ए दबाने के बाद में एक प्लेन भी मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ, मेस में जाके एक प्लेन ले रहा हूँ और फिर 1 प्रेस कर रहा हूँ। अच्छा, ये इमेज डिस्प्ले हो रहा है, इस इमेज को हम लोग हटा देते हैं, एन दबाइएगा और यहाँ से इसको काट दीजिएगा, फिर एन दबा के, ठीक है। अभी हमारा जो प्लेन था इसको हम लोग रोटेट करेंगे एक्स एक्सिस में, देखिए यहाँ पे एक प्लेन है हमारा, आर दबाइएगा, ओ सॉरी रोटेट करने दरकार नहीं है, 1 दबा के इसको आप नीचे लेके आ जाइए प्लेन को, ये देखिए प्लेन आ रहा है हमारा, ये देखिए ठीक है नीचे आ गया। और उसके बाद में एस दबाएंगे हम लोग और इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इतना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो टेक्स्ट था उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, चलिए टेक्स्ट तक आते हैं हम लोग, ये हमारा टेक्स्ट है, इसको सेलेक्ट करने के बाद में इसमें भी हम लोग मटेरियल यूज़ करेंगे, न्यू में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे यही मटेरियल मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखिए हार्ट के लिए जो मटेरियल हम लोग बनाए थे सेम मटेरियल मैंने किसमें यूज़ कर रहा हूँ मैं, टेक्स्ट में, ठीक है। और उसके बाद में इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, थोड़ा से इधर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा देरी के लिए मैं सॉलिड व्यू में कर देता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ लेके आ जाता हूँ, ओके। और अब हम लोग दोनों को देखना चाहते हैं एक बार, ये देखिए यहाँ पे हार्ट है हमारा, ठीक है, और ये जो था ये कहाँ पे, यहाँ पे टूट रहा है और फिर यहाँ पे देखिए ये आई लव यू बन जा रहा है, ठीक है, 80 तक बन जा रहा, मतलब हम लोग को कहाँ तक चाहिए इसका एंड वैल्यू, 80, चलिए 90 लेते हैं हम लोग, 90, ठीक है, 90 तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया हमारा, उसके बाद में यहाँ पे सरफेस जो लिए थे हम लोग, ये सरफेस, इस सरफेस का भी हम लोग कुछ कलर वगैरह दे देते हैं, चलिए तो सरफेस में मैं येलो कलर यूज़ करूँगा, ठीक है ना। अभी चलिए रेंडर में हम लोग देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है, देखिए इस तरह से हम लोग को ये नज़र आएगा, उसके बाद में अभी जितना हम लोग किए इसको एक बार सेव कर लीजिए, इसको मैं एफ ड्राइव में सेव कर रहा हूँ, माई, ठीक है, सेव हो गया हमारा। और अब
लाइट थोड़ा सा और हम लोग देना चाहते हैं, इसको मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। इसको मैं शिफ्ट दबा के डी दबा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, डुप्लीकेट लाइट आ जाएगा। देखिए अभी ये लाइट मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है ना। और अब फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको तो हम लोग सेव कर लिए हैं। अब मैं इसको जीरो दबा के कैमरा व्यू में देखना चाहता हूँ कैसे दिख रहा है, ठीक है। ये ऐसा है, इसको आप जैसा देखना चाहते हैं पहले सेट कर लीजिएगा। इसको मैं छोटा कर रहा हूँ थोड़ा। यहाँ एन दबाइएगा, एन एन दबाने के बाद में आप इस कैमरा को लॉक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, लॉक कैमरा व्यू, ठीक है। उसके बाद में आप इसको सेट कर लीजिए जैसा सेट करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर एक बार देखिए कैसा दिखेगा ये। ठीक है, अब हम लोग इसको रेंडर करके निकाल लेंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ सेटिंग है, प्रॉपर्टी में जाइएगा, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद में यहाँ पे प्रीसेट में जाइएगा और HDTV 720 करिएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं इसका फ्रेम रेट 30 रख रहा हूँ, और देन यहाँ पे फोल्डर, जिस फोल्डर में आप रखना चाहते हैं उस फोल्डर को सेलेक्ट करिए। मैं एफ ड्राइव में रखना चाहता हूँ, तो मैं एफ ड्राइव को सेलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद में फिर यहाँ पे PNG का जगह में AVI ले लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ सैम्पलिंग जो रहेगा मैं थोड़ा कम कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ 30 कर दे रहा हूँ। बस इतना करने के बाद आप रेंडर में जाइएगा और रेंडर एनिमेशन में क्लिक कर दीजिएगा।